वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 3, सब्जेक्ट जीके। आई एम चांदनी भट्ट, योर जीके टीचर। बिफोर स्टार्टिंग, गुड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लर्न फ्रॉम द स्टोरी हाउ टू प्रिवेंट डिजीज। जर्म्स आर एवरीवेयर। नाउ डेज यू ऑल नो अबाउट द COVID-19, कोरोना वायरस। आप सबको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। ड्यू टू दिस वायरस मैनी पीपल आर डाइंग। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सो ऐसे डिजीज को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिससे हम रोक सकते हैं। बट कैसे? हमें अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और हमारे अंदर गुड मैनर्स को डेवलप करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड लेसन, देन वी कैन नो अबाउट हाउ टू प्रिवेंट डिजीज। लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, लेसन 31, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज। फर्स्ट वी विल रीड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर्स शोइंग द वेज बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट डिजीज। राइट देम इन द ब्लैंक्स, यूज द हेल्प बॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो सभी हैबिट्स यहाँ पर दी है। फर्स्ट वन, सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, वन बॉय क्या कर रहा है? यस, वो हैंड वॉश कर रहा है। फर्स्ट वी विल रीड, यू मस्ट डू इट आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, हैंडलिंग ट्रैश और टचिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ पब्लिक यूज सच एज डोर हैंडल्स। डू इट एट लीस्ट फॉर अ मिनट, स्क्रबिंग अंडरनेथ योर फिंगर्स, नेल्स एंड इन बिटवीन योर फिंगर्स। स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, वॉट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? वेरी गुड, हैंड वॉश। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर यू टेक एवरी मील। हम जब भी कुछ भी खाए तब सबसे पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हाथ पर जो जर्म्स है वो हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे और फिर हमें बहुत सारे डिसीज होंगे, बीमारियाँ होंगी। यू मस्ट डू हैंड वॉश आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद आपको ऑलवेज हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि जर्म्स, वायरस उसकी फेवरेट प्लेस है वॉशरूम और बाथरूम। यू शुड वॉश योर हैंड्स विथ सोप और लिक्विड। आपको अपने हैंड है वो सोप या कोई हैंड वॉश लिक्विड से अच्छे से धोने चाहिए। डू इट एट लीस्ट फॉर मिनट, आपको 1 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करके आपको धोने चाहिए। नाउ सी हियर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको क्या करना है, वाटर एंड सोप, पानी और सोप लेना है। देन पाम टू पाम दोनों हाथ को रगड़ना है। फिर बिटवीन फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में भी आपको स्क्रब करना है। एंड फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स है उसको भी आपको साफ करना है। सो सी इन दिस पिक्चर, दीज आर स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश। आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हैंड वॉश करना है। वी विल राइट हियर, वॉश योर हैंड्स। सेकेंड वन, डू इट विथ अ हैंकरचीफ व्हाइल कॉफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। When you sneeze or coughing,
यू शुड कवर योर फेस विथ टिश्यू पेपर और हैंकरचीफ। जब भी आपको स्नीजिंग छींक आए या फिर कफ आए तो आपको क्या करना है, अपना जो फेस है, नोज है, वो कवर करना है टिश्यू पेपर या फिर हैंकरचीफ की मदद से। इफ़ यू डोंट हैव हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर, सो यू शुड कवर योर फेस और नोज विथ एल्बो। अगर आपके पास टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ नहीं है तो आपको क्या करना है, अपनी एल्बो की मदद से कवर करना है। क्योंकि अगर आप अपने फेस को स्नीजिंग टाइम या कफिंग टाइम पर कवर नहीं करोगे तो आपके अंदर से जो वायरस निकलेंगे वो एयर के साथ मिक्सअप होंगे और दूसरों को भी बीमारियां होगी। वी विल राइट हियर कवर योर माउथ। थर्ड वन, हैव वैक्सीन एज पर प्रिस्क्रिप्शन टू अवॉइड डिसीज। डिसीज ना हो उसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वैक्सीन्स लेनी चाहिए। टेक वैक्सीन्स वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। जब आप कभी आउट ऑफ कंट्री जाओ तब भी आपको वैक्सीन्स लेनी चाहिए, जिससे दूसरी कंट्री में जो वायरस या फिर कोई बीमारियां है तो वो आपको ना हो। वैक्सीन से आपकी जो इम्यूनी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होती है और हमें जल्दी से डिसीज़ नहीं होते हैं। सो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। वी विल राइट हियर इम्यूनाइजेशन। फोर्थ वन, ईट अ लॉट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। रन एंड जॉग। प्ले गेम्स टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट माइक्रोब्स। वी शुड ईट हेल्दी फूड लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, देन ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और साथ में हमें एक्सरसाइज, रन, गेम्स खेलनी चाहिए, जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम वायरस से लड़ सकेंगे। वी विल राइट हियर ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन, डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद सिक पीपल। जो बीमार लोग हैं उसके साथ हमें शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सके इतना हमें उनसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर से जो वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया जो निकल रहे हैं वो हमारे अंदर भी जा सकते हैं और हम भी बीमार हो सकते हैं। सो डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विथ सिक पीपल। व्हेन यू गो आउटसाइड एट मार्केट प्लेस, टेम्पल एक्सेट्रा, जब कभी आप मार्केट प्लेस पर या टेम्पल कहीं पे भी जाओ, तब अगर आपको कोई आपका रिलेटिव्स मिलता है सो यू शुड डू नमस्ते। आपको उनको नमस्ते करना है एंड अवॉइड शेक हैंड्स। आपको शेक हैंड करना नहीं है, क्योंकि इससे वायरस आपके पास भी आएंगे और आपको बीमार कर देंगे। सो वी विल राइट हियर अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल।